श्रीकांत नायडू, आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखा होगा जहां पे मैंने डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर उसको क्लीन करते वक्त जो प्रिकॉशंस की जरूरत है वो सब मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको वो बता रहा हूँ मैनुअल रीजनरेशन प्रोसेस को कैसे किया जाता है। मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे अगर DPF फुल विजिट योर डीलर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी रोकनी है एक सेफ जगह पे। अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो तो पार्किंग मोड में गियर लीवर को लाइए, अगर आप मैनुअल चला रहे हो तो न्यूट्रल पे लाइए और अपना हैंड ब्रेक अच्छे से सेफली फर्मली लगाने के बाद सेकेंड स्टेप आपको करना है कि इंजन बंद नहीं करना है और एग्जॉस्ट पाइप के आसपास कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, मतलब एक सूखा घास एग्जांपल ले सकते हैं, वैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। एक फ्लैट सर्विस पे सेफ जगह पे गाड़ी आपने पार्क कर दिया, उसके बाद इंजन टेम्परेचर अगर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड है उस टाइम पे, अगर अभी अभी आप निकले हो गाड़ी लेके, इन दैट केस एक्सेलरेटर पेडल पे थोड़ा रेस कीजिएगा। ज़्यादा रेस करने के बाद इंजन टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाता है। इसके बाद प्रेस द DPF स्विच। आपके स्टेयरिंग के बाजू में किधर तो एक DPF स्विच रहता है, उसे आपको प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली इंजन का आइडलिंग स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल 1200 RPM पे था तो ऑटोमेटिकली वो हो सकता है कि 2000 या 2500 या 3000 RPM तक वो चला जाए। इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी में। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में करीब करीब 30-40 मिनट्स टेंटेटिवली लग जाते हैं, ये अगर खत्म होता है, ठीक है। When DPF warning message goes out, idling speed will return to normal. मतलब DPF full जो था वो मैसेज चला जाता है तो idling जो बड़ा था, RPM जो बड़ा था वो return to normal जरूर हो जाएगा। And if clutch or accelerator pedal is pressed, regeneration will be stopped. मतलब इस प्रोसेस को करते करते अगर आपने क्लच दबाया मैनुअल में, एक्सेलरेशन पे पैर रख दिया तो रीजनरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इमिडिएटली आपको रीजनरेशन वापस स्टार्ट करना पड़ेगा DPF स्विच दबा के। तो इस तरीके से आप अपना DPF का मैनुअल रीजनरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।